सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहूँगी। चलो जो भी हुआ उसकी लाइफ में, अच्छे दिन भी थे, बुरे दिन भी आए, दे आर दैट्स हर एक्सपीरियंस। सी हम समझाते हैं, बच्चे भी समझाते हैं, नहीं मम्मी हियर यू आर रॉन्ग, या ये नहीं करो वो नहीं करो, इस तरह हम भी अपने बच्चों को समझाते हैं, बट दे आर द बेस्ट जज। शी टुक हर डिसीजन, शी वॉज स्ट्रॉन्ग। देखो बाकी क्या होता है ना कि हर्ट तो कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है जब मैं और कोई भी हो। आई वुड से बोथ द पार्टीज टुक इट वेरी स्ट्रांगली एंड आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम, दे हैव हैंडल्ड एवरीथिंग इन अ डिग्निफाइड वे। कोई मतलब ऐसा नहीं हुआ था कि एक ड्रामा, एक गंद, नथिंग, वेरी डिग्निफाइड वे, एंड टिल टुडे वी आर टुगेदर। एज ए माँ, आपने कभी उनको ये सलाह नहीं दी, या आपने नहीं चाहा खुद कि मेरी बेटी की फिर से जिंदगी हो, फिर से लाइफ शुरू हो, फिर से कोई शादी करे, ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा आपने? नहीं नहीं, कहते हैं वो, मुझे कहती है तो मैं उसे नहीं बोलूंगी। किरण पापा है, वो मम्मी है, एंड दे आर वन, वेयर द चाइल्ड इज कंसर्न्ड, दे आर वन। बिग बॉस के घर में रिकू जी पूरे दिल, दिमाग और दम के साथ खेल रही हैं, और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उनकी मॉम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले सवाल, चूंकि आपने पहले भी कई बार बोला है ये बात, रिंकू जी बहुत यू नो स्ट्रांग है, सब कुछ है, बट सच में आपको वैसा लग रहा है कि बिग बॉस के घर में जैसी आपने उनको यहाँ से भेजा था वैसे ही है? क्योंकि कई बार ये कहा जा रहा है कि रिंकू जी पूरा ओपन अप नहीं हो रही हैं, या बहुत सारी चीज़ें मतलब दम लगा के नहीं खेलें, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, वो वैसी ही है, वो फजूल में कहीं घुसती नहीं है। हाँ, वेयर शी हैज़ टू टेक अ स्टैंड वो लेती है, आई एम सॉरी, ऐसी बात नहीं है। वो अब इनिशियली शी टेक्स टाइम टू ओपन अप, पहले वो समझती है, फिर और सिचुएशंस जैसे हम देखते हैं फजूल की, आई मीन हमें लगता है फजूल की चिल्लम चिल्ली हो रही है, एंड मे बी एक्सपीरियंस, एज गैप, हाउ यू हैव बीन ब्रॉट अप, ये सब भी काउंट करता है। बट ऐसा नहीं कि शील टेक समबडीज मतलब फजूल बात किसी की सुनेगी, डेफिनेटली शील पुट हर फ्रंट, बट ज़रूरी नहीं है वो जैसे ईशा या बाकी लोग बोलते हैं वैसे वो नहीं करेगी। गॉड फॉरबिड ऐसी भी सिचुएशन आई तो वो भी कर लेगी। वो जो एक बार ऐश्वर्या के लिए उसने किया था तो वो भी कर लेगी। जैसे आपने कहा ईशा की बात, ईशा ने यू नो उनके ड्रेसिंग सेंस पर भी कमेंट किया था जब बिग बॉस ने पूछा था या सोनू ने पूछा था, आपको अच्छा लगा था ये बात? क्योंकि ये घर के अंदर आप ड्रेस सेंस पर आप किसी को ये जज कर रहे हो, ये कितना सही आपके हिसाब से? ईशा क्या है, उसकी उम्र क्या है, वो और समर्थ क्या कर रहे हैं टीवी पे, वो क्या कर रहे हैं, इट्स अ फैमिली ड्रामा, आप किसी को जज नहीं कर सकते। जो भी रिंकू कर रही है, जो भी पहन रही है, She's wearing it gracefully. I mean, सबका अपना टेस्ट होता है, मैं नहीं बोलूँगी ईशा का ख़राब है या किसी का ख़राब, सबका। डोंट जज पीपल बाय ड्रेसिंग, बाय बिहेविंग, डोंट ड्रेस पीपल। अब समर्थ क्या कर रहे हैं, अब बिग बॉस में जितने भी रह रहे हैं ना, दे आर अ फैमिली, जितने दिन भी वो रह रहे हैं दे आर अ फैमिली। तो हम फैमिली में रहते हैं, हमारी डिफरेंसेस भी होती हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, ऊँच नीच बातें भी होती हैं, बट वी नीड टू मेक अ लाइन ऑफ रिस्पेक्ट एक होनी चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई बिलीव, इट्स अ फैमिली शो। समर्थ क्या कर रहा है या ईशा क्या कर रही है, बीइंग द यंगेस्ट, मतलब पूरा मुंह खोल के, आंखें खोल के, हाथ बॉडी हिला के, मतलब दैट इज़ व्हाट यू आर प्रेजेंटिंग टू द पीपल। मे बी कुछ लोगों को उसकी जनरेशन को अच्छा लग रहा होगा, मे बी, और मे बी उनको रिंकू नहीं अच्छी लग रही होगी, बट वेल दैट्स रिंकू। जिस तरह से अभी हालिया एपिसोड की बात कर रहे हैं, समर्थ जिस तरह से टीज कर रहे हैं, तरह से कहा जाए द वे ऑफ टॉकिंग, रिंकू जिस तरह पोकिंग बहुत कर रहा है, वो बहुत पोकिंग कर रहा है, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, गेम है, हालांकि रिंकू जी ने साफ की ये पोकिंग नहीं है, उससे कहीं ज्यादा एग्जैक्टली अंकिता ने समझाने की कोशिश की कि ये इट्स काइंड ऑफ पोकिंग, बट उन्होंने बोला आपके लिए पोकिंग लगता होगा, बट ये मेरे लिए टीजिंग जैसा है, बदतमीजी है, दैट इज बदतमीजी। ठीक है, मैंने कहा तू गेम खेल रहा है, आई मीन इफ ही इज प्लेइंग अ गेम लेट हिम प्ले, लेकिन एज आई सेड लाइन ऑफ रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए ना। आप बड़ों से ऐसे बात करते हो, आप एज फैक्टर, जैसे अभिषेक विक्की को कहता है 40 इयर्स का है, या रिंकू को बोलते हैं भैया बिग बॉस ने बुलाया है, उन्होंने भी तो एज देखी होगी ना, सो दे आर प्लेइंग एज पर देयर एज, या एज पर देयर एक्सपीरियंस, या एज पर देयर जैसे उनका नेचर है उस हिसाब से वो बिहेव कर रहे हैं।
मैं तो कहती हूँ रिंकू ट्रॉफी जीत के आएगी एंड बिग बॉस, मतलब एक रियलिटी शो बिग बॉस का जैसे मैं तो 17 साल से देख रही हूँ, तो हम कहते हैं ओ माय गॉड कितनी चिल्लम चिल्ली होती, कितनी लड़ाइयाँ होती, कितना ये होता है। तो आई होप, आई प्रे टू गॉड कि रिंकू जीत के आए और ये शो का ये जाए कि डिग्निफाइड वे से भी आप जीत सकते हो, जीते ना जीते आई डोंट नो, बट बीइंग अ मदर खुद रिंकू जी ने यह बोला कि बिग बॉस हम जैसे लोगों को इन बच्चों के बीच में कहाँ डाल दिया, यू नो अभी रिसेंटली उन्होंने कहा कि कहाँ यहाँ पे लगा दिया, बच्चों के साथ हमें लगा दिया, सही लग रहा है ये बात? सी वो बिग बॉस क्या सोच के बच्चे या बड़े लाते हैं आई रियली हैव नो आइडिया, बट अगर आते भी हैं, बच्चे भी आते हैं या बड़े लोग भी आते हैं, अब पूजा भट्ट आई थी है ना, वो भी तो अपने डिग्निफाइड वे में उसने गेम प्ले की, ओके वहाँ तो कोई बदतमीजी नहीं हुई, यहाँ भी अभी ये देख लो क्या नाम है इसका विकी या अंकिता देख लो, ठीक है शुरू शुरू में टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड सॉरी फिर आप कुछ बोलते हो, लेकिन अभी विकी रिंकू को समझाता है या मुन्नावर समझाता है, मतलब एज पर द गेम कि दीदी आप यस्टरडे वी वर वॉचिंग लाइव में कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो, बट यू नीड टू ओपन अप, यू नीड टू वोकल योर व्यूज सबके सामने, आप क्या अभी हम शुरू से ऐसे हैं, इफ आई हैव टू स्कोल्ड हिम आई विल नॉट स्कोल्ड हिम इन फ्रंट ऑफ फोर पीपल, आई विल टेक हिम इनसाइड द रूम। रिंकू भी वैसी है, अब वो रियल है तो वो वैसा ही बिहेव कर रही है, सो होपफुली जो विकी ने उसको समझाया है, तो हम रात को देख रहे थे तो ये देखो मम्मा को ऐसे ही बोलना चाहिए, मम्मा को जोर से आना चाहिए बाहर ही से, तो ऐसे चलो विकी समझा रहा है शायद मम्मा अभी हो जाए, सी आपकी पर्सनालिटी है आप 100% तो चेंज नहीं हो सकते है ना, शायद अब थोड़ी बहुत वो आ जाए पर हमें वो अच्छा नहीं लगता बिकॉज हमारी ब्रिंगिंग अप ऐसे है। जैसा आपने कहा हमने भी जहाँ तक रिंकू जी को हम जानते इतने सालों से हमने उनको देखा है, उस पर्सनालिटी को देखा है, यू नो उनकी एक्टिंग को लेकर देखा है, वो अपनी एक्टिंग में इतना खो जाते हैं कि यू नो अपने रियल बाल को भी उन्होंने मुझे याद है वो दिन जब उन्होंने अपने बालों को भी हटा दिया था, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम होता है, ये किसी हर किसी के बस की बात नहीं है। क्या लगता है कि सच में वो नहीं ओपन अप, और जैसा आपने कहा ना बेटे ने भी कहा कि क्यों नहीं ओपन अप हो रही है? नहीं नहीं ओपन, हमारे हिसाब से शी इज ओपन अप, जहाँ उसके ऊपर बात आती है वो बोलती है। अब बिग बॉस शो क्या है कि आप यू नो चिल्लम चिल्ली करो, जोर से बोलो, किसी को डांटना है तो सबके सामने डांटो, शायद वो अभिषेक को अपना बेटे समान मानती है तो उसको अलग से समझाती है, सो मे बी विकी वॉज सेइंग को देखो दीदी ये गेम शो है, अगर आप मतलब इंस्टेड प्राइवेटली आप अपने व्यूज दोगे ना, आप ओपनली दोगे ना, यू आर अ वेरी गुड कंटेस्टेंट, आप आगे तक जाओगे, सो मे बी वो एक बिग बॉस का एक मतलब वो फॉर्मेट है या दायरा है, तो उस हिसाब से फिर जैसे ये भी कह रहा था तो मैं भी अंदर सोचती हूँ यार राजा अभी कर दे मामे से सॉरी या अभी ठीक है ना आजा मत सोच कि ये मेरा बच्चा है, ये सबके सामने बोल, होप शी अंडरस्टैंड्स। अगर आपके रिंकू से मतलब रिंकू के बारे में बात करें, जिस तरह से चूंकि आप माँ हैं आपसे बेटर कोई नहीं समझता उनको, किस तरह से उनकी पूरी जर्नी को देखते हैं आप, इतना नाम कमाया है सब कुछ है ना, इतना इतने सालों से काम करके एक इज्जत बनाई है, और ऑल ऑफ सडन जब कोई इस तरह से आकर के उनको कोई चुगलखोर बोलता है या ना टीज करता है, इस तरह से पोक करता है, आपको सही लगता है? सबके अपने व्यूज होते हैं, रियलिटी रियल लाइफ में भी 10 लोग आपके पीछे बातें करते हैं, तो यू नो वॉट यू आर, जो आपके क्लोज हैं वो जानते हैं कि आप क्या हो, आप 100 लोग पीछे से बोलते हैं, हर किसी को वैलिडेशन क्लैरिफिकेशन जस्टिफिकेशन तो नहीं दोगे ना, सो इट्स द सेम, ये अपनी समर्थ है, आई डोंट ही इज़ अ बच्चा, ही इज़ लाइक माई ग्रैंड चाइल्ड, पर क्या कर रहा है तू, तू दूसरों के ऊपर फिंगर्स पॉइंट आउट कर रहा है, अपने अंदर भी तो जान ना, तू और ईशा क्या कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप देख रहे हैं, आई एम श्योर उनको भी बिकॉज हमारी जनरेशन के ही होंगे या रिंकू की जनरेशन के होंगे, शर्मिंदा आजकल के बच्चों को ना एक मुझे लगता है संस्कार नहीं है, एटिकेट्स नहीं है, मुझे ऐसे लगता है, आई मीन आई डोंट वांट टू जज हिम, बट जो दिखाई दे रहा है तो मुझे तो नहीं, नॉट बिकॉज ही इज आफ्टर रिंकू, बट नहीं अच्छा जो दिख रहा है, जो दिख रहा है।
ईशा ने एक बड़ा डिसीजन लिया घर के अंदर और यू नो ऐश्वर्या को घर से बेघर किया, घर वाले भी काफ़ी नाराज हुए, बाहर भी बहुत सारी ट्रोलिंग हुई, इवन ऐश्वर्या भी बहुत कुछ कह रही हैं, आपको कितना सही लगा? एब्सोल्युटली रॉन्ग, मतलब इसका मतलब आई बिलीव कि तुमने बिग बॉस की रिस्पेक्ट नहीं की। बिग बॉस ने क्या कहा, ऑन द बेसिस कितने रूल्स तोड़े हैं और तुमको वीडियोस भी दिखाए और तुमने बोला भी अनुराग है या अंकिता ने भी बोला यू आर रॉन्ग, मेरा पूरा उन्हीं के बारे में लिखा था। अंकिता ने भी शी स्टूड बाय दैट, शी सेड देखो राइटर या मेरा नाम ऐश्वर्या तो कहीं भी नहीं आती है, तो तूने एज अ कैप्टन बहुत गलत फैसला लिया, वो सुनती का है ना चिल्लम जी, सुनती का है मेरे अच्छे रिश्ते हैं इसलिए मैंने इसको बचा लिया बाबू भैया। जब रिश्ते नहीं है, अब जैसे इसने बोला विक्की ने रिंकू को, देखो दीदी आपने रिश्ते बनाए सबसे बनाए अच्छे बनाए हैं, पर ये रिश्तों का नहीं है, रिश्ते चलो ठीक है बट यू हैव टू बी लाउड, यू हैव टू स्पीक। अब तुम रिश्ते के बेस पे बना रही हो, अब आई डोंट नो इसकी क्या है, क्या नाम है ईशा की, इसकी क्या बात करें आप, कहाँ पे है 19-20 साल की लड़की जैसे कहते हैं, वेट करती है कहाँ दो लोग लड़ रहे हैं, दादी बन के चल पड़ती है, बोलने लग जाती है, जो दादी अगर तुम रिंकू को मानते हो वो तो नहीं जाती, उसका होता है हस्बैंड वाइफ का मैटर है या किसका मैटर है, और अनलेस इट कम्स ऑन मी और अनलेस इट कम्स ओपनली, इसके लिए ऐश्वर्या के लिए बोला रिंकू ने, हाँ मे भी उसके आगे कौन बोले, ईशा के आगे और समर्थ के आगे नॉन स्टॉप बोलते हैं, सुनते ही नहीं, तो मतलब अपना दिमाग खराब होता है ना। So, मेरा सवाल ये था कि ऐश्वर्या के जाने के बाद क्या आपको लगता है नील दब गए हैं, दब सा दिख रहे हैं या फिर अब उभर रहे हैं? अभी तक तो उसका कुछ दिख नहीं रहा, शांत हो गया है, मे बी ही इज मिसिंग या ही इज हर्ट बाय व्हाट हैज हैपेंड टू ऐश्वर्या, अभी तक तो खैर शांत है। और एक चीज और दिखा, अभी फिर से अंकिता और विक्की भैया के बीच फाइट चल रही है, फिर से वही अंकिता ने अपना राग अलापा है कि तू मेरे को टाइम नहीं देता है, और बार बार विक्की कहता है मैं क्या करूं, मतलब मैं क्या करूं। सी आई एम सॉरी टू से, लेकिन अंकिता और विक्की एज हस्बैंड वाइफ शुरू से लेके अब तक अच्छे, यू नो दे हैव नॉट शोन देयर बेस्ट एज हस्बैंड एंड वाइफ, इन फैक्ट गॉड फॉरबिड, मैं भी माँ हूँ, होप एवरीथिंग इज फाइन व्हेन दे कम आउट, एवरीबडी प्रेज फॉर दैट, बट नहीं गलत है, दोनों गलत है समवेयर डाउन द लाइन, शी इज़ वेरी मतलब वो उसकी फीलिंग्स है, गिव मी अटेंशन, गिव मी ये, गिव मी वो, ये वाइफ का होता है, हाँ जो वाइफ का होता है, शी इज़ नॉट रॉन्ग देयर, लेकिन विक्की पूरा गेम, अब विक्की को देखो शुरू में प्लॉटिंग प्लानिंग, बीच में ठंडा हो गया जब काफ़ी बार उसको टोका गया, हाँ सारा वो ठंडा, हाँ जी, एंड देन उसके बाद अब फिर मैं देख रही हूँ अब मनारा फजूल में लगी हुई है, तो समर्थ ईशा विक्की उसको पोक कर रहे, उसको उसका तो मुझे लगता है दिमाग ही नहीं है, शी इज अ कन्फ्यूज पर्सन या कान की कच्ची है, आपने कुछ कहा वो मान लिया, मैंने कुछ कहा वो मान लिया, मनारा इज अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। जिस तरह से मनोहर अभी खुद एक तरह से उनका मतलब बैंड बच चुका है घर के अंदर जब से आयशा आई है, अब मनारा भी एक तरह से उनके पीछे ही पड़ गई है, मतलब कि जिस तरह से दोनों की फाइट चल रही है अभी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये उसकी एक्चुअली मनारा ना, शी इज़ वेरी व्हाट हम देखते हैं एज व्यूअर्स, जो हम देख रहे हैं, मुझे लगता है शी इज़ वेरी ओवर पोजेसिव अबाउट मुन्नावर शुरू से। पहले हम कहते थे चाइल्ड पैम्पर कर रहा है, बड़े भाई बेबी सिटिंग, यस एंड बट अब जो देख रही हूँ मैं, अपने विचार बोल रही हूँ, मुझे ऐसे लगता है शी इज़ फॉलन इन लव विद मुन्नावर और उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर तुम बोलती हो वो मेरा फ्रेंड है तो उसके और भी तो 6 फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, चाहे लड़का हो लड़की हो, तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि अगर दूसरा कोई फ्रेंड है ही शुड गिव मी ओनली अटेंशन, वो तो गलत है, दैट मीन्स तुम्हारे फीलिंग्स और हैं,
बट बताना है ये जितना तुम लड़ रही हो, कल भी जैसे ही वाज ट्राइंग टू पैच अप अभिषेक ट्राई कर रहा था, हाँ बात करने भी बात समर्थ को तो छोड़ो, वो तो आग लगाने वाला है, अभिषेक जैसे ही वाज ट्राइंग बैठा के बात, हाँ अब इसका देखो रिंकू के पीछे भी पड़ी है, अब रिंकू और मुनावर की बनती है, अब चलो तुम अंदर बाथरूम यू नो उस एरिया में बात कर रहे हो, क्योंकि वो लास्ट वो मोमेंट था जब आपस में ये दोनों बात करते हैं और रिंकू जी आई और वो वहाँ बैठ गई, अभिषेक भी बैठा था, ये तीनों बात कर रहे थे, खाली रिंकू नहीं आई थी, अंकिता भी आई थी, हाँ रिंकू ने बोला कैन आई सिट, पूछा था तो मुनावर बोल देता या कोई भी बोल देता नो वी आर टॉकिंग, किसी ने बोला नहीं, वो बैठ गई और इसने सारा कचरा रिंकू पे फेंक दिया और रिंकू जी चिल्ला रही है जैसे, हाँ बात कर रहे तो मुनावर तो मुनावर को डांट ना, उसने मुनावर को बोला कि नहीं सिट, तो मुनावर से बात कर तू, शी इज एक्चुअली आई फील दीवानी है मुनावर की, आई फील शी इज दीवानी है मुनावर की एंड उसको को चाहिए कि कोई भी मुनावर के आसपास ना रहे सिवाय मेरे, उन्होंने बोला भी कि अगर मैं तेरे दोस्त हूं तो तुझे आयशा को अटेंशन मत दे, उसके बाद उन्होंने बोला अगर ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, या तो तू ओपनली बोल दे आई एम इन लव विद यू, सी अगर आप सामने वाले को फीलिंग्स ओपनली बोल दो तो फिर एक आई थिंक नजरिया थोड़ा कुछ और हो जाएगा, सबके बदल जाएंगे, हम भी देखने वालों के भी बदल जाएंगे, पर तुम बोलती कुछ हो, तुम्हारे एक्शंस कुछ हैं, दिखाई देते हैं सब, मैं भी बुढ़ी हूँ <Experience. Yeah. laughs> समझ आता है ये चलिए एक्सपीरियंस से बात हुई मैम आपसे जाना चाहेंगे, रिंकू जी की जो पूरी लाइफ की जर्नी रही है, उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, आज हम आपसे बात कर रहे हैं चूंकि आप मॉम हैं, हर तरीके से आप उनके साथ ही, आज आपको उस दौर में ले जाना चाहेंगे जब आपने रिंकू जी का हाथ किसी के हाथ में सौंपा था, तब वो मोमेंट कैसा था और क्या वजह हुई, मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि क्योंकि हमने सुना तो बहुत कुछ है बट ऐसी क्या वजह हुई थी कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया और अलग हुए। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहूँगी एंड डेफिनेटली नॉट, चलो जो भी हुआ उसकी लाइफ में अच्छे दिन भी थे बुरे दिन भी आए, दे आर दैट्स हर एक्सपीरियंस हर डिसीजन, सो आई वुडन लाइक टू कमेंट ऑन एनी पर्सनल लाइफ, आई वुडन बट जैसे एज ए मॉम का दिल, क्योंकि माम हमेशा चाहती है, माँ हमेशा चाहती है मेरे बेटा या बेटी हमेशा खुश रहे, उसकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, क्या ऐसी वजह आपने फिर आपने समझाने की कोशिश की थी कि नहीं ये 15 साल के बाद ये सब चीज़ें मत करो ऐसा कुछ? सी देखो लाइफ में जब भी बच्चे को या हम देखते हैं कुछ अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बल्कि मैं मेरी लाइफ में भी समझो कोई अप एंड डाउन कुछ थॉट्स आते हैं तो बच्चे हमें भी समझाते हैं, सी हम समझाते हैं बच्चे भी समझाते हैं नहीं मम्मी हियर यू वर रॉन्ग या ये नहीं करो वो नहीं करो, इस तरह हम भी अपने बच्चों को समझाते हैं, बट दे आर द बेस्ट जज राइट, जैसे मैं कभी बच्चों को बोलती हूँ दिस इज माई लाइफ आई नो मुझे कैसे जीनी है, तो मेरे बच्चे भी अडल्ट हैं एंड सेंसिबल हैं, और मेरे बच्चे दोनों बेटियां हैं और मेरी बेटियां ऐसी नहीं हैं कि यू नो स्नैप ऑफ अ फिंगर दे विल टेक अ डिसीजन, दे आर वेरी सेंसिबल वेरी थॉटफुल एंड इन अ डिग्निफाइड वे दे हैंडल ऑल द सिचुएशंस व्हाटएवर इट मे बी। वही मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि जिस तरह से घर के अंदर हम उनको देख रहे हैं हर सिचुएशन तो लड़ लेती हैं, ओपन नहीं हो रही, बट जब वो सिचुएशन आई थी मैम आपसे जानना चाहेंगे टूट गई थी वो एकदम से या फिर बहुत स्ट्रांग थी, आपने उनको सपोर्ट किया आपने सहारा दिया? सी व्हाटएवर शी टुक हर डिसीजन शी वाज स्ट्रांग, देखो बाकी क्या होता है ना कि हर्ट तो कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है जब मैं हो कोई भी हो, हर्ट तो रहता ही है, बट शी टुक इट स्ट्रांगली, इनफैक्ट आई वुड से बोथ द पार्टीज टुक इट वेरी स्ट्रांगली एंड आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ देम, दे हैव हैंडल्ड एवरीथिंग इन अ डिग्निफाइड वे, both of them I'm proud of both of them, so I don't want, yahi hai bas, iske alawa koi gand nahi hua tha, koi gand nahi, unhone bhi bola ki hum dost bhale na lekin hum log ek dusre ke sath mila aisa bhi nahi karte, ha koi matlab aisa nahi hua tha ki ek drama ek gand nothing, very dignified way and till today we are together, hum ek dusre ke sath khade hain sab log, so that's important. As a ma आपने कभी उनको ये सलाह नहीं दी या आपने नहीं चाहा खुद कि मेरी बेटी की फिर से जिंदगी हो फिर से लाइफ शुरू हो फिर से कोई शादी करे ऐसा कुछ क्यों नहीं कहा आपने? नहीं नहीं कहते हैं वो मुझे कहती है तो मैं उसे नहीं बोलूंगी आप बहुत खूबसूरत है मैम व्हेन माय हस्बैंड पास्ड अवे 4 इयर्स बैक ही सेड मम्मी
ढूंढो अपने लिए कोई, मेरे लिए भी ढूंढो. अच्छा. आई सेड मैं तो घर में रहती, तू अपने लिए ढूंढे. सी नहीं, ऑफ कोर्स एवरीबॉडी नीड, दिस इज बिसाइड्स द पॉइंट. क्योंकि आप मॉम हैं. हाँ जी, एवरीबॉडी नीड्स अ पार्टनर. देखो ठीक है, बच्चा है, मैं हूँ, जो भी है, इवेंचुअली बच्चा भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, मेरे भी यू नो कितने साल क्या है, व्हाटएवर यू नो, सो शी विल बी अलोन. सो डेफिनेटली आई वुड वांट उसको कोई अच्छा पार्टनर मिले, इवन शी वांट्स, ऐसी बात नहीं है कोई अच्छा पार्टनर मिले. शादी आई एम नॉट थिंकिंग, शादी आई एम नॉट थिंकिंग, बट अ गुड पार्टनर. They understand one another, they respect one another, they share everything one another, which is important. आपसे कभी खुल के उन्होंने बात किया कि मुझे सच में शादी या कोई पार्टनर चाहिए, या आपने कुछ सलाह दिया? हाँ, वो मतलब she has lot of friends, बचपन के friends वगैरह हैं, तो she says, अरे मम्मी ढूंढो ना, जाओ जाओ दुबई जाओ, कोई शेख अपने लिए भी ढूंढो, मेरे लिए भी ढूंढो. Of course, definitely. I'm sure she wants. She speaks to her son also, and he also understands. Because देखो सब अपना अपनी लाइफ में बिजी हो जाएंगे, वो अकेली हो जाएंगे. इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, माँ हैं आप चाहती हैं कि मेरी बेटी का घर बस जाए, और अपने रहते आप चाहती हैं कि मेरी बेटी का घर बस जाए? 100%, 100%. वो तो मेरा ख्याल जिगना जी ने, रिंकू ने क्या बोला था अंदर, हमारे लिए भी कोई भेज दी तो हम लोग भी और लंबा खेलते. Yeah, of course, definitely. We have to be practical in life. And they are adults. See, children are adults. They know what is good and bad for them. Of course, we being as parents, me being as a mother, जो मुझे समझाना है, definitely मैं उसको समझाती हूँ. आई गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू. अगेन, जैसे कोई हमारी फैमिली में जैसे मेरे लिए बोलते हैं कि ये अपने बच्चों को बोलती नहीं है कुछ, मे भी डांटना, मैं जानती हूँ ना, मैं अपने बच्चों को हाँ से समझाना. मैं कैसे करती हूँ, मैं अंदर करती हूँ, मैं चार लोगों के सामने, बचपन से मेरी आदत है. ये रिंकू भी इससे कोई बात करनी है, ऐसा नहीं कि मेरे सामने बात करेगी. शी विल टेक हिम इनसाइड एंड दे विल हैव अ कन्वर्सेशन. सो दिस इज हाउ वी आर. जैसा आपने कहा कि अभी कई बार आपसे उन्होंने बोला है, इस फील्ड में ऐसा कहा जाता है कि एक्टर और एक्टर का रिश्ता इसलिए टूट जाता है क्योंकि ईगो या ऐसा कुछ होता है. इस रिंकू जी के केस में भी ऐसा कुछ था आपको लगता है? क्योंकि बहुत सारी बातें बाहर हुई कि ऐसे बाहर भी, तो देखो पब्लिक तो जाने बिन जज करने बैठ जाती है. अब उनको अंदर की स्टोरीज क्या पता है. एंड वॉट एवर ईयर्स दे स्पेंड टुगेदर, दे स्पेंड वेरी नाइसली, ऐसी बात नहीं है. बट अगेन देखो, आप बच्चों से भी तो लड़ पड़ते हो. अब ये मेरा ग्रैंड सन है, इसकी थिंकिंग अलग है. मैं अपने पुराने ज़माने की औरत हूँ, तो मैं बोलने लग जाती हूँ भाई बच्चा ये गद्दा है, ये अच्छा नहीं है. सो नहीं, नथिंग एज सच. आपके अभी टर्म्स हैं, आपसे बात हो पाती है करण जी से, या कभी कोई बात होती है, अभी भी हैं टच में आप? हाँ डेफिनेटली, बच्चा है भाई, दुख सुख में हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं, वो भी खड़ा है, हम भी खड़े हैं, डेफिनेटली. एंड अ वेरी नाइस रिलेशनशिप है. बच्चे को लेकर के, फ्यूचर को लेकर के क्या बातें होती हैं आप दोनों, आप मतलब दामाद से जो एक्स दामाद? नहीं, मेरी कोई बात नहीं. सी, बच्चे के माँ बाप हैं, किरण पापा हैं, वो मम्मी हैं, एंड दे आर वन वेयर द चाइल्ड इज कंसर्न्ड. दे आर वन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम, बोथ ऑफ देम आई एम वेरी प्राउड. बड़ी अच्छी तरह अपने बच्चे को पाला है, और बड़ी अच्छी तरह वेयर द चाइल्ड इज कंसर्न एक दूसरे के लिए खड़े. ऐसे नहीं यू नो saying something about mama या mama saying something about papa, never, never. आपने कभी कोशिश नहीं की, क्योंकि कई बार माँ बाप ही होते हैं जब बच्चों का सहारा बनते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आती है, किसी ना किसी तरह से समझा, क्योंकि स्पेस देते हैं, यू टेक योर टाइम फिर हम डिसीजन लेंगे, ऐसा भी कुछ किया आपने? करते हैं डेफिनेटली, हर माँ बाप करते हैं. बट इवेंचुअली सी देखो, ज़माना बदल जाता है, बच्चे ज़्यादा सेंसिबल है. अगर रिंकू सेंसिबल है, आजकल के बच्चे ज़्यादा स्मार्ट हैं. तो ऐसा नहीं हमने कहा, ऐसा नहीं रिंकू टुक अ हेस्टी डिसीजन, ऐसा नहीं है. बट प्रोज एंड कॉन्स दोनों देखे, सोचे, एंड वॉट एवर दे थॉट कि दिस इज़ बेस्ट फॉर देम, दे डिड इट. अगर बिग बॉस के घर से बाहर आएंगी, आप बोलेंगे अब तुम शादी कर लो? आई डोंट बिलीव इन दैट, इन द सेंस शादी कर लो, वॉट इज शादी? मेन इज टू गेट अ गुड पार्टनर, अंडरस्टैंडिंग. शादी हो ना हो आज के ज़माने में, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट. एंड आई एम 10 years अहेड ऑफ माई दिस थिंग. सो मेरा ये डेफिनेटली है, शादी तो ऑफकोर्स आई डोंट से, बट पार्टनर शी शुड गेट अ गुड पार्टनर हु अंडरस्टैंड्स हर.
And I mean, vice versa. They should respect and understand one another. Hopefully, I hope she gets it. Big Boss के जन में ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई घर में जाता है, इसलिए जाता है क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ ओपन होगी, यू नो, बहुत सारी चीजें सामने आएंगी. बट रिंकू जी ने कभी इस बारे में बात नहीं की. पर रिंकू की कोई कंट्रोवर्सी है भी नहीं. आई मीन जस्ट वन, अगर देखो ये पहला रिंकू का तो ये नहीं है ना कि इसके साथ हुआ है, हजारों लाखों लोगों के साथ होता है. बट जस्ट बिकॉज दे आर इन द मीडिया उसको किया जाता है. बट एज आई सेड, इसकी भी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बनी बिकॉज दे हैंडल्ड इट इन अ वेरी डिग्निफाइड वे. कोई गंद नहीं उछाला एक दूसरे के ऊपर. बट आपने रिंकू को टूटते हुए देखा है, मतलब किस तरह से टूट गई थी मेरे सामने, हालत मतलब जब ये हुआ था जो पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाया, क्या रिंकू जी सच में टूट गई थी? नहीं, टूटी नहीं थी. देखो अगेन एज आई सेड, समवेयर डाउन द लाइन एक हर्ट होता है. इतने साल आप स्पेंड करो, आपका बच्चा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो होता है डेफिनेटली. मैं ये नहीं बोल, ऑफ कोर्स शी हैंडल्ड इट एज आई सेड वेरी स्ट्रांगली, एंड देन शी हैज़ अ गुड सेट ऑफ फ्रेंड्स, गुड सेट ऑफ कजन्स. मेरे सामने शी डिडंट ब्रेक डाउन बिकॉज, एंड शी नेवर ब्रेक्स डाउन. उसको ये होता है कि यू नो मम्मी को स्ट्रेस नहीं देना. बट एंड शी इज़ अ वेरी सेंसिबल गर्ल, आई टेल यू, नॉट बिकॉज शी इज़ माई डॉटर, शी हैंडल्स इट वेरी नाइसली एवरीथिंग. और उसके कजन्स हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं, मे बी दे हैव सीन हर ब्रेकिंग डाउन एंड दे टुक केयर ऑफ हर, मे बी. मेरे सामने नहीं हुआ. इस जिस तरह से अभी बिग बॉस के घर में पूरा गेम चल रहा है, क्या लगता है रिंकू जी अभी और लंबे रेस का घोड़ा होंगे? मेरे हिसाब से तो होंगे. अगर बिग बॉस ये क्रेडिट देंगे कि नहीं बाबा हमारा शो डिग्निफाइड पीपल लोगों का भी है, ये बिग बॉस को भी सोचना चाहिए, नहीं तो सब बिगड़ जाते. वी डोंट टू सी, वी डोंट टू सी, वी डोंट टू सी. तो थोड़ा ये चेंज लाना चाहिए. आई मीन ट्रॉफी तो चलो किस्मत की बात है, दिल तो मुझे लगता है दिल जीता हुआ है. हाँ बाहर पब्लिक आई डोंट नो बिकॉज एज आई टेल यू शी वाज नेवर अ सोशल पर्सन, और उस टाइम इतना ये सब नहीं था, सोशल मीडिया इतना नहीं था, नहीं था. एंड शी इज अ प्राइवेट पर्सन, सोशल मीडिया नहीं था, कभी नहीं था. अब ये आ गया तो बच्चे बोलते हैं आपको इंस्टा में आना चाहिए, आपको इसमें आना चाहिए. सो दैट्स बिकम टू लेट. अगर आप बोलोगे उसके फॉलोअर्स नहीं है इंस्टा में या उसमें या इसमें, बिकॉज शी वाज नेवर ऑन दैट. बट अगर आप उसकी गेम देखो, बिग बॉस को कंसिडर करना चाहिए यार. अगर आपको मौका मिले घर के अंदर जा करके किसी को कुछ समझाने का, या रिंकू को समझाने का, रिंकू के अलावा और किसी को अगर समझाने का मौका मिले, तो आप किसको क्या कहेंगे? नहीं यार, मैं किसी को नहीं समझाऊंगी. आई मीन जैसे ईशा को समझ ना, ना ना, बच्चे सुनते हैं, वो बोलेंगे अपनी बेटी को संभालो, वो अपनी इज्जत अपने हाथ में है. बेटा चलिए, रिंकू को अगर कुछ कहना हो तो घर के अंदर जाके क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डाउट मैं बिग बॉस हाउस में जाऊंगी बिकॉज मैं चाहूंगी उसको. अगर मौका मिले, हम ऑप्शन, मौका मिले तो मैं ये जरूर कहूंगी भैया आई एम प्राउड ऑफ यू, तू वही है जो तू दिखा रही है. बट ये गेम है तो मे बी यू हैव टू कम आउट इन द ओपन, चिल्लाम चिल्ली जैसे ये सब करते हैं. तो तू अपना प्राइवेटली समझो, अभिषेक को समझाती या मुनव्वर और ये बातें करते हैं, खुल्ला खुल्लम बोल. But I know she's not that. I hope she becomes that. Open ना, open होनी जरूरत है. हाँ, वो भी ये तो बोलता ही रहता है. वो क्यों नहीं आता है सामने? मतलब हम जब आपसे बात कर रहे हैं, वो बेटा क्यों नहीं आता सामने? बेटा माँ से भी ज़्यादा प्राइवेट है. वो घर में भी हम उससे बात करेंगे ना, अच्छा ईशान बच्चे क्या हुआ? हाँ नहीं, बस ये इसका मोनोलॉग होता है इसका. Okay. वो नहीं करता. लास्टली मैम, आखिरी सवाल यही है कि चूंकि हम भी से पढ़े ही हैं, लोग जानते ही हैं, एक वन लाइन अगर बताना चाहें, क्या वजह थी कि दोनों लोग अलग हो गए? कौन? मतलब किरण जी और अब क्यों इसके पीछे पड़े हैं? आई डोंट नो, हस्बैंड वाइफ नो, नो आई डोंट नो एनीथिंग. थोड़ा सा अगर बताना चाहें. नहीं ऑनेस्टली आई डोंट नो. इट्स सी आई बिलीव, बात रिंकू किरण की नहीं है, बट आई बिलीव एनी हस्बैंड वाइफ, चाहे मेरा पति और मैं भी होते, थर्ड पर्सन कुछ नहीं बोल सकता. आप सब समझा सकते हो, रहना तो उन्होंने है, लाइफ तो उन्होंने आपस में गुजारनी है. अब क्यों नहीं रह सकते, क्या होता है, वी शुड रिस्पेक्ट देयर डिसीजन. सो नहीं, इस मामले में मुझे नहीं पता. माई चिल आई एम प्राउड ऑफ देम, आई एम प्राउड ऑफ किरण, आई एम प्राउड ऑफ रिंकू. जो भी था उन्होंने अच्छी तरह हाल निकाला, अच्छी तरह रहे, एंड यस यस वेरी नाइस. रिंकू जी के बेटे करियर को लेकर क्या बात होती है आप दोनों में, या रिंकू जी खुद उनके करियर को लेकर क्या सोचते हैं? मेरे से कोई बात नहीं होती, जो बात होती है अपने पोते से तो बात होती होगी आपकी.
ये जवाब देता है। मैंने कहा ना हाँ ना। ईशान आप कहाँ अभी बात करना चाहेंगे? ईशान नहीं, इसका करियर की बात होती है, जैसे किरण और रिंकू ही हैंडल करते हैं। किरण कम बात करते हैं वो भी, लेकिन रिंकू ज़्यादा बात करती है। सो एज पेरेंट्स दे डिस्कस, दे टॉक टू देयर चाइल्ड, दे मेक हिम अंडरस्टैंड, एंड दे थ्री ऑफ देम आई मीन दे हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग। बच्चा भी जब माँ बाप समझाते हैं तो समझता है, ऐसी बात नहीं है। मतलब मैंने कभी वो खटास नहीं देखी, मैंने नेगेटिविटी नहीं देखी किसी की तरफ से। तो बच्चा भी मीडिया में ही आना चाहता है। अब देखो चाहे एक्टिंग हो या फिर एक्टिंग में तो नहीं, एक्टिंग में तो इसको नहीं आना है, बट डायरेक्शन या डायरेक्शन में मे बी अभी माँ बाप जाने बच्चा जाने, अभी आई डोंट नो। ही जस्ट फिनिश्ड हिज ग्रेजुएशन, तो देखो क्या करता है। लास्टली अब जब आप बिग बॉस में रिंकू जी को देख रही हैं, आपको लगता है, क्योंकि आपने ही कहा कि बिग बॉस में ज़्यादा यू नो फाइट या अलग रूप दिखाना पड़ता, आपको लगता है कि रिंकू जी का डिसीजन सही था आपके हिसाब से? मैं चाहती थी हमेशा रिंकू बिग बॉस में जाए, मैं तो सालों से चाहती थी। अब जब ये देखो, एंड शी टुक हर ओन, या ऑफ कोर्स। सी मुझे क्या लगता है कि बिग बॉस में जो भी जाता है, जो कंटेस्टेंट जाते हैं, आई बिलीव कि सलमान खान जैसे उनको पिन पॉइंट करते हैं, समझाते हैं या जो भी करते हैं, मेरा मानना है कि जो भी इंसान जाता है वो जब बाहर निकलता है, जब भी बाहर निकलता है थोड़ा बेटर पर्सन निकलता है। उसको शायद अंदर अपनी कमियां भी पता लग जाती, खूबियां या कमियां उसको पता लग जाती हैं। सो मे बी दे ट्राई टू वर्क ऑन दैट, और व्हेन दे कम आउट दे विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट। तो आई फील बिग बॉस इज़ अ गुड प्लेस टू चेंज अ पर्सन, अगर आप पॉजिटिवली सब लोग। अगर आप नेगेटिवली सब लोग हैं तो फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। जैसे अभिषेक है, जब देखो चिल्ला करता रहता है, जब देखो लड़ता रहता है। बट अभिषेक गर्ग को बहुत डांट भी लगी है, बहुत फटकार भी लगी है। पर मेरा ख्याल उसकी पर्सनालिटी वो है, इज अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, इमोशनल पर्सन, बहुत अग्रेसिव हो जाता है वो कुछ ज्यादा ही एग्रो ने दिखा दिया है अपना, बहुत ज्यादा हो जाता है। इट्स नॉट गुड। मतलब बच्चा बाहर भी आए, अगर वो बाहर भी ऐसा है तो ठीक नहीं है। आप एक बार बोलोगे जाने दो बार बोलोगे जाने दो, बट इवेंचुअली नोबडी विल टेक इट। जिग्ना जी से कोई बात हुई आपकी? जिग्ना जी जब निकली थी तब फर्स्ट डे में मुझे फ़ोन आया था, एंड शी वॉन्टेड टू टॉक टू ईशान, एंड शी टोल्ड मी डोंट वरी अबाउट रिंकू, हेल्थ उसकी ठीक है, बिकॉज शी इज़ अ डायबिटिक, रिंकू ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन। देन शी स्पोक टू ईशान एंड बोला मम्मा आपको बहुत याद करती है। हम लोग बातें करते थे, मम्मा रोते, अभी भी बोले मम्मा मेरी बात क्यों करती है। आई सर क्यों नहीं करेगी यार, अब आपस में बैठे होते हैं करते हैं। अभिषेक में वो तू दिखता है, सेम उम्र है, समर्थ भी बच्चा ही है, तो नहीं मेरा नाम क्यों लेते, मेरी बात क्यों करते। ये तो अभी मैं बोलती हूँ इनकेस अगर फैमिली वीक आया एंड रिंकू इज देयर, आई सर ईशान को जरूर ले जाएगा। हाँ मैंने बोला, मैंने कहा ईशान आप जाना, पहले तो ये करता था नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, आप जाओ, आप इमेज कॉन्शियस हो। मोया मैं क्या इमेज कॉन्शियस हूँ तो मैंने कहा आप जाओगे मम्मा विल बी वेरी हैप्पी और मोटिवेट हो जाएगी। अब मान गया कि मैं जाऊँगा। चलिए थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड टेकिंग माई इंटरव्यू। आई होप आई डिड वेल। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू।